तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल चेक की दुनिया। तो आपके सामने थर्मल एक्सप्रेशन क्वेश्चन लेकर हाजिर हैं, ठीक है। तो थर्मल एक्सप्रेशन क्वेश्चन क्या है, आपको ये स्क्रीन पर दिख रहा होगा, देख सकते हो। मैं क्वेश्चन रीड कर देता हूँ। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अ नॉन आइसोट्रॉपिक सॉलिड मेटल क्यूब हैज अ कॉफिशियंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन एज 5 × 10⁻⁵ डिग्री सेल्सियस अलॉन्ग द एक्स एक्सिस, ठीक है, 5 × 10⁻⁶ डिग्री सेल्सियस अलॉन्ग वाई एंड जेड एक्सिस। इफ द कॉफिशियंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ द सॉलिड सी इंटू इज सी इंटू 10⁻⁶ डिग्री सेल्सियस, देन द वैल्यू ऑफ सी इज। देखो, जनरली हम लोगों ने पढ़ा है कि गामा इज इक्वल टू डेल्टा वी अपन वी डेल्टा टी। तो वहाँ से हम निकाले सारे के सारे वो आइसोट्रॉपिक के लिए होते हैं। ये एन आइसोट्रॉपिक मतलब कि एक्स में अलग गामा है, वाई में अलग गामा है, जेड में अलग गामा है। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसको एक बार देख लेते हैं फटाफट से। देखो, ये भी कोई सवाल ज़्यादा डिफिकल्ट है नहीं, मतलब कि तुमको एक्स में एक्स और वाई जेड तीनों डायरेक्शन में गामा का वैल्यू अलग अलग है, ठीक है। तो हम सिंपली लिखते हैं वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। लेंथ तुम्हारा इधर हो गया, ठीक है, ब्रेथ तुम्हारा इधर हो गया और हाइट तुम्हारा इधर हो गया, ठीक है। यही ना बेसिकली बोला है। हम लिखते हैं यहाँ से डेल्टा वी अपॉन वी इज इक्वल टू डेल्टा एल अपॉन एल प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। मैं कैसे लिख रहा हूँ, मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है तुम्हारे, ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया है, वन शॉट में जाकर वो देखो, वहाँ वीडियो समझ में आ जाएगा। अब डेल्टा वी अपॉन वी डेल्टा इक्वल टू हम क्या कह सकते हैं, गामा डेल्टा टी। अब देखो, लेंथ को अगर हम एक्स डायरेक्शन मान लें तो क्या आ जाएगा तुम्हारा, गामा एक्स इंटू डेल्टा टी। ब्रेथ को वाई वाई डायरेक्शन मान लें तो गामा वाई इंटू डेल्टा टी, प्लस हाइट को जेड डायरेक्शन माने तो गामा जेड डेल्टा टी। यहाँ डेल्टा टी डेल्टा टी डेल्टा टी डेल्टा टी कैंसिल, तो यहाँ से कितना आ जाएगा भैया हमारा, गामा इज इक्वल टू डेट इज गामा एक्स प्लस गामा वाई प्लस गामा जेड। ये रिलेशन भी याद रख सकते हो, बस वैल्यू पुट कर देते हैं, गामा इज इक्वल टू गामा एक्स गामा वाई गामा जेड दे रखा है क्वेश्चन में। तो ये हो गया तुम्हारा 5 × 10⁻⁵ प्लस 5 × 10⁻⁶ प्लस 5 × 10⁻⁶। तब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, क्या रहेगा, 5 × 10⁻⁵ प्लस 10⁻⁵ डेट इज 6 × 10⁻⁵, ठीक है। बट आंसर में 10⁻⁶ दे रखा है यहाँ पर, तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर डिवाइड करना पड़ेगा, यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, डेट इज 60 × 10⁻⁶ जो यूनिट दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ रिलेटिव में सी का वैल्यू क्या हो जाएगा तुम्हारा, सी का वैल्यू तुम्हारा 60 जाओ और फाइनल आंसर जो, ठीक है। न्यूमेरिकल टाइप है, कब का पूछा है इसने, जनवरी अटैम्प्ट 2020 में पूछा है इसने, ठीक है। पहला जो शिफ्ट हुआ था ना 20 जनवरी को, जो डेट दो भी हो, पहला 2020 का ये पेपर है, क्वेश्चन है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आएगा, समझ में वीडियो को लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना। ओके, देन बाय, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।